फैंटास्टिक फोर की ह्यूमन टॉर्च के बाद कैप्टन अमेरिका के रूप में 8 साल से क्रिस इवांस को लोग सुपर हीरो की तरह ही जानते हैं। एवेंजर्स के नेक्स्ट सीक्वल में भी क्रिस की जगह पक्की है। रियल लाइफ में सुपर हीरो बन चुके क्रिस रियल लाइफ में भी सुपर हीरो है। चैरिटी और एनिमल राइट्स के लिए काम करते हुए क्रिस कई एनजीओ से जुड़ चुके हैं। 9 बार बन चुके अमेरिका की कैप्टन अमेरिका। 2011 में पहली बार कैप्टन अमेरिका बनने के बाद से क्रिस हर साल एक फिल्म में स्टीव रॉजर्स या कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभा रहे हैं। 2011 में कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, 2012 में द एवेंजर्स, 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड, 2014 में कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एंट मैन में भी कैप्टन अमेरिका ही बने। 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, 2017 में स्पाइडरमैन होमकमिंग और फाइनली 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी स्टीव रॉजर्स ही बने, यानी कैप्टन अमेरिका ही बने। हालांकि स्पाइडरमैन होमकमिंग, थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड एंट मैन में स्टीव का रोल बहुत ही छोटा था। 3 बार रोल को किया था रिजेक्ट। एवेंजर्स सीरीज में कैप्टन अमेरिका के रोल को निभाने के पहले क्रिस ने 3 बार इस रोल को रिजेक्ट किया था। कॉमिक कैरेक्टर की पॉपुलरिटी को लेकर टेंशन में थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने क्रिस इवांस को इस रोल के लिए तैयार किया, जिसके बाद वो लगातार ये रोल करते जा रहे हैं। अब तक बनी 12 गर्लफ्रेंड्स। पिछले साल तक क्रिस का नाम जेनी स्लेट के साथ जुड़ा रहा, हालांकि मार्च 2018 में दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इसके पहले भी क्रिस की कई सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुका है। क्रिस की गर्लफ्रेंड की लिस्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं।